लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करिए। हम सभी जानते हैं कि तरबूज शरीर में पानी की कमी बहुत आसानी से दूर करता है और यह गर्मियों में ही आता है, इसी मौसम में बहुत ज्यादा बिकता है। लेकिन जिन लोगों को शुगर की बीमारी है उन लोगों को इसका सेवन बहुत ही कम करना चाहिए। साथ ही कुछ बीमारियों में भी इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे हार्ट की बीमारी की आशंका होती है। हार्ट की प्रॉब्लम से घिरे लोगों को तरबूज का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे हार्ट की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। इसके साथ ही डायबिटीज के रोगियों को अपने खानपान का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। तरबूज में भारी मात्रा में नेचुरल शुगर होता है, ऐसे में अगर शुगर के मरीज तरबूज का ज्यादा सेवन करेंगे तो उनके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को एक सीमित मात्रा में तरबूज का सेवन करना चाहिए। अस्थमा के मरीजों के लिए ज्यादा तरबूज का सेवन सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्थमा में अमीनो एसिड होता है। अगर इससे जूझ रहे रोगी ज्यादा तरबूज का सेवन करेंगे तो अस्थमा अटैक का खतरा बढ़ सकता है। तरबूज में मिनरल की मात्रा भी पाई जाती है जो दिल के लिए खतरनाक है, इसलिए इस मौसम में तरबूज का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। हम सभी जानते हैं कि लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें।